जनपद गोंडा थाना नवाबगंज से संबंधित एक महिला पुलिस कार्यालय में उपस्थित आई है। उसके द्वारा बताया गया कि उसके पति मसूदुल्लाह को और उनके परिजन जो हैं, ससुराली परिजन जो भी हैं, उसको परेशान करते हैं। उसको एक पुत्री पैदा हुई तो उसके बाद और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। तो उसकी तहरीर पर जो है अभियोग पंजीकृत कराया, विवेचना कराई जा रही है। इसी बीच ये जानकारी मिली कि उसको जो है उसको तलाक दे दिया है। इस संबंध में भी जो है थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को निर्देशित किया गया है तो पीड़िता से संपर्क करें और उसके जो बयानात हैं उनको दर्ज करके साक्ष्य के आधार पर भी देखा जाए। सर, बेटी पैदा होने पे तलाक दी है? हाँ, जैसा कि उसने बताया है कि उसको पहले से ही प्रताड़ित करते थे। बेटी पैदा होने के बाद और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। उसके तहरीर प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की गई थी। आज इसके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं, तलाक संबंधी तथ्य बताए गए, इसके आधार पर भी विधिक कार्रवाई की गई। सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा है अभी तक? इसने जो पति और सास ससुर के लिए बताया है, यदि और कोई संदिग्ध होगा तो उसके लिए विधिक कार्रवाई। क्या मामला है, कहाँ आई है? हम कप्तान साहब के वहाँ आए हैं, तीन तलाक देके हमें भगा दिया गया था और इसीलिए हमारे। क्या हुआ, मामला क्या है, क्यों तीन तलाक दिया? पहले मेरा दहेज पड़ता मुकदमा चल रहा था बहरेज जिला में, और इसलिए मुझे पहले कहा कि चलो हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। फिर घर पे जब लाया गया तो वहाँ पहले मुझे मारा सब लोगों ने, और उसके बाद तलाक दे के भगा दिया गया। फिर हम प्रधान जी के वहाँ जब गए तो वहाँ लिखा पड़ी, मतलब जो भी था किए, तो वो कह रहे थे कि जब अपना खेत बेचेंगे तो तुम्हारा जितना पैसा सब कुछ चुकाएंगे। एक मेरी 3 साल की लड़की भी है और अब देने से सब कुछ इनकार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मेरा हक है वो मुझे दे दिया जाए, जो मेरी बिटिया का है। क्या कहा उन्होंने आपसे तलाक देते समय? उन्होंने यही कहा था कि हम तलाक दे रहे हैं, जितना आपका होगा, 1/4 हम जब खेत बेचेंगे उसके बाद देंगे सब। तो अब आप कहाँ रह रही हैं? हम इस टाइम अपने मायके में रह रहे हैं। कारण क्या था तलाक देने का, वजह? पहले से भी हमें मारा जाता था। सन 2019 में मेरी शादी हुई थी, मेरी 3 साल की लड़की भी, तो पहले से भी कह रहे थे मुझे गाड़ी पैसे सब मांग कर रहे थे, इसलिए मुझे पहले से भी परेशान किया जा रहा था वहाँ पे। तब आपने शिकायत कहीं की थी? हाँ, मैंने किया था केसरगंज, मतलब बहरेज जिला में अपने केसरगंज थाने पे। उसके बाद जब थाने से मतलब पुलिस को वो सब हुआ तो उसके बाद वो अपने घर लेके नहीं, हमसे कहें कि हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। जब लेके घर गए तब तलाक हमें वहाँ दे दिए। अच्छा, दहेज की मांग लगातार आपसे की जा रही थी, आपने कहा थाने में तहरीर दिया, तो उस वक्त मुकदमा लिखा गया था? जी, लिखा गया था। शादी कहाँ हुई थी आपकी? शाहपुर। क्या नाम था शौहर का? मसूदुल्लाह उस्मानी। तो उन्होंने किस तरीके से आपको तलाक, किस माध्यम से दिया? वो अपने ऐसे जुबानी मुझे दिए। क्या कहे? जो मतलब मेरी शरीयत के हिसाब से जो वैसे होता था वैसे दिए। क्या कहे, क्या? तीन तलाक। बंद करो कैमरा।